दोस्तों स्टडी माइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी के, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में विलोम शब्द के बेसिक्स के बारे में और कुछ नियमों के बारे में हम बात किए थे कि कैसे हम विलोम शब्द को पहचान सकते हैं अगर एग्जाम में हमसे नहीं आता है, या हम विलोम शब्द बनाते कैसे हैं इसके बारे में हम बात किए थे। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे गए हैं। और आज जो प्रश्न पूछा गया है एसएससी जीडी का 10 तारीख वाले शिफ्ट में, जितने शिफ्ट में हुए हैं पेपर, प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न रिपीट हुए हैं। इसीलिए आपको कुछ करें या ना करें, आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि प्रश्न अगर रिपीट होगा तो यहीं से रिपीट होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो विलोम शब्द है, 50 विलोम शब्द हमने यहाँ लिखा हुआ है और 60-70 और विलोम शब्द है, हम उसको आज शाम को या कल हम उसको पढ़ लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। यश का विलोम शब्द होता है अपयश, यश का होता है विलोम शब्द अपयश। यश में अप उपसर्ग जोड़कर इसका विलोम बनाया गया है अपयश। यश का मतलब होता है कीर्ति और उसका विलोम होता है अपयश। ठीक इसी प्रकार से जो निर्माण होता है, निर्माण का होता है कुछ बनाने की प्रक्रिया निर्माण कहलाती है और तो उसको बिगाड़ने की प्रक्रिया ध्वंस कहलाती है। तो निर्माण का विलोम हो गया ध्वंस, शुद्ध का हो गया अशुद्ध। शुद्ध में अ उपसर्ग जोड़कर इसका विलोम शब्द बनाया गया है अशुद्ध। क्रय, क्रय में वी उपसर्ग जोड़कर विक्रय इसका विलोम शब्द बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार उदय, उदय का होता है अस्त। उदय का मतलब होता है उन्नति या उठना और अस्त का मतलब होता है पतन, तो उदय का विलोम हो गया अस्त। अज्ञा का विलोम होता है विज्ञ। एक बात आप जान लीजिए, जैसे हम लोग पर्यायवाची में सीखे थे या अनेकार्थी शब्दों में, उसी प्रकार किसी शब्द के लास्ट में यदि ज्ञ लगा हो तो उसका मतलब होता है जानने वाला। क्या मतलब होता है? जानने वाला होता है, जानने वाला। यहाँ पे ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला और अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, या किसका द्योतक है नहीं का। तो ठीक, ज्ञ जानने वाला और अ का मतलब होता है नहीं जानने वाला, मतलब कुछ नहीं जानने वाले को हम बोलते हैं अज्ञ। और विज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, वि का मतलब होता है विशेष रूप से जानने वाले को हम बोलते हैं विज्ञ। ठीक है, ऐसे अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थूल। स्थूल का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक, इसका विलोम होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। स्नेह सिक्त का विलोम होता है स्नेह रहित, स्नेह रिक्त। स्नेह सिक्त का मतलब होता है स्नेह के साथ और स्नेह रिक्त का मतलब होता है जहाँ स्नेह का अभाव होता है, रिक्त होता है, उसे हम स्नेह रिक्त कहते हैं। आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, ढका हुआ, और इसका विलोम होता है अनावरण। इसमें अन उपसर्ग जोड़कर इसका विलोम अनावरण बनाया गया है। अस्थावर का मतलब होता है एक जगह टिक कर रहने वाले, और जंगम, जंगम का मतलब होता है जो घूमने वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जंगम। तो अस्थावर का विलोम हो गया जंगम। ह्रस्व का विलोम हो गया दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और ये दोनों के दोनों तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम का विलोम क्या होता है? तत्सम ही होता है, कल हम बात किए थे। ठीक है, जागरण का मतलब होता है जागना, और इसका विलोम होता है निद्रा। जागरण का विलोम हो गया निद्रा, निद्रा का मतलब होता है सोना। अंधकार, अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। अंधकार का मतलब जहाँ उजाले का अभाव होता है उसे हम कहते हैं अंधकार। और हम बात करते हैं अंध अपरस्कर, कर से बना हुआ है, अंधेरा करने वाले को हम बोलते हैं अंधकार, और इसका विलोम हो गया प्रकाश। अंधकार का विलोम उजाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ अंधकार भी तत्सम शब्द है और इसका विलोम होगा भी तो वो भी तत्सम शब्द ही होना चाहिए। तो प्रकाश तत्सम शब्द है और उजाला क्या हो जाता है? यह तद्भव शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। तो उजाला का विलोम क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि अंधेरा और उजाला दोनों के दोनों तत्सम शब्द है, क्योंकि विलोम शब्द में दोनों शब्द समान कोटि के होने चाहिए। हास का होता है रुदन, हास का होता है रुदन। आदान, ठीक, का होता है प्रदान। देखिए यहाँ पे दान है, दान यहाँ पे आ उपसर्ग लगा हुआ है और इसका विपरीत प्रत्यय जो है उपसर्ग जोड़कर इसका विलोम बना दिया गया है। आदान का हो कर आ का कर दिया गया है प्र, तो आदान का हो गया प्रदान। अरवा चीन का होता है प्राचीन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कुछ जो यहाँ पे अन्य विलोम है। अत्यधिक, अत्यधिक का मतलब होता है अधिक, ठीक। अत्यधिक का होता है स्वल्प, ठीक। अत्यधिक तत्सम हो गया और स्वल्प भी क्या हो गया? तत्सम हो गया। तो तत्सम का विलोम तत्सम ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम अधिक करें, अधिक, तो अधिक काम को कम करना पड़ेगा,
कम, क्योंकि दोनों तद्भव शब्द हैं। श्वेत का मतलब होता है सफेद और श्याम का मतलब होता है श्यामला, आप कह सकते हैं। तो श्वेत भी तत्सम शब्द है, तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा, तो श्वेत का विलोम क्या हो गया, श्याम हो गया। श्याम भी तत्सम शब्द है और ये भी तत्सम शब्द है। आहार, आहार में ठीक निर उपसर्ग जोड़कर निराहार बनाया गया है, आहार का नि हो गया विलोम निराहार। मुख का मतलब होता है कम बोलने वाला, ठीक, और इसका विलोम हो गया वाचार, वाचार का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला। इसका मुख का हम मुखर भी कह सकते थे, क्या कह सकते थे, मुखर भी कह सकते थे, इसका ये भी विलोम सही होता है। कृपण, कृपण का मतलब होता है कृपा पाने वाला, ठीक, और ठीक, और कृपण का विलोम क्या हो गया, इसका ठीक उल्टा हो गया है, दान करने वाला या दानी, या दाता भी कह सकते हैं आप, या दाता। ऐसे ही कोप, कोप का होता है कृपा, कोप का क्या हो गया कृपा, विलोम हो गया कृपा। गंभीर का हो गया अगंभीर, या इसको हम उथला भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उथला भी बोल सकते हैं। गंभीर का गहरा अगर सेंस ले तो इसका विलोम हो जाएगा उथला हो जाएगा या अगंभीर। गंभीर का मतलब तो जो बहुत गहरा ना हो, बहुत अंदर तक ना हो, उसे हम बोलते हैं अंदर तक हो उसे हम बोलते हैं गंभीर, तो इसका विलोम उथला भी हो सकता है। गरल, गरल का मतलब होता है विष या जहर, जहर होता है, और इसका विलोम हो गया सुधा। गरल का विलोम क्या हो गया सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत, क्या हो गया अमृत। यदि यहाँ पे ये दोनों के दोनों, ये भी तद्भव शब्द है, ये भी तद्भव शब्द है, इसीलिए तद्भव का विलोम तद्भव हुआ। यदि विष होता है यहाँ पे विष, तो यह तत्सम शब्द है, तो इसका विलोम हो जाता है अमृत, क्योंकि अमृत भी क्या है तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है। मौन के बारे में हम, मौन के बारे में हम नहीं, यहाँ मुख के बारे में आते थे। मौन, मौन का मतलब होता है ठीक न बोलने वाला, और इसका क्या हो गया विलोम हो गया वाचार, अधिक बोलने वाला, या मुखर भी कह सकते हैं यहाँ भी मुखर। ताप, आप जानते ही होंगे ताप के बारे में, ताप का उल्टा हो गया शीत, जहाँ गर्मी, गर्मी का एहसास होता है उसे ताप कहते हैं, जहाँ ठंडे का एहसास होता है उसे हम शीत कहते हैं। अनुयायी का मतलब होता है किसी के रास्ते कदमों पर चलने वाला, उसे हम अनु का मतलब होता है पीछे, और याई का मतलब होता है सर अनुसरण करने वाला, तो जो अनुसरण करते हुए पीछे पीछे चलते हैं उन्हें हम अनुयायी कहते हैं, और ठीक, और इसका विलोम क्या होगा विरोधी होगा, जो साथ न चल के क्या करते हैं विरोध में चलते हैं या विरोध में खड़े होते हैं उसे हम कहते हैं विरोधी। सुशील, ठीक, शील ऐसा शील जो अच्छा हो, उसका विलोम हो गया दुशील, ऐसा शील जो दुष्ट का मतलब है, यहाँ दुष्ट उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है, तो ऐसा शील जो क्या हो बुरा हो। जाति का आप जानते ही होंगे, विजाति हो गया, जाति क्या हो गया विजाति हो गया। द्रुत का क्या हो गया द्रुत का हो गया मंथर। विशाल, विशाल का हो गया लघु। विशाल का क्या हो गया, विशाल का मतलब बहुत बड़ा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है। ऐसे निर्मल का हो गया मलिन, निर्मल का विलोम हो गया मलिन, और अहिक का हो गया पारलौकिक, पारलौकिक, अहिक, अहिक का क्या हो गया पारलौकिक, अहिक का मतलब होता है जो इस लोक से संबंधित हो, ठीक, और पारलौकिक का मतलब होता है जो परलोक से संबंधित हो उसे हम बोलते हैं पारलौकिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन्नति, उन्नति का मतलब होता है बढ़ते रहना, बढ़ोतरी, और इसका विलोम होता है औन्नति होता है, मतलब होता है गिरावट या उतार की हम बात करते हैं। शोक, शोक का विलोम क्या होता है, शोक का विलोम होता है हर्ष, शोक का मतलब होता है दुख, और हर्ष का मतलब होता है खुशी, खुशी का इसका मतलब होता है खुशी, ठीक, और शोक का मतलब होता है दुख की बात होती है, तो दुख का हो गया सुख और शोक का हो गया हर्ष, ठीक है। प्रवेश, प्रवेश का मतलब होता है का विलोम होता है निकास, प्रवेश का मतलब होता है एंट्री करना और निकास का मतलब होता है निकलना होता है। प्रचुर का मतलब होता है अप्रचुर, ठीक, या अल्प कह सकते हैं या अल्प भी हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक मतलब जो ऑप्शन में आया था एसएससी जीडी के अप्रचुर आया था, हम यहाँ पे अल्प भी कह सकते हैं, ठीक है। निर्जीव, जिसमें जीव नहीं, जिसमें जान नहीं होती उसे निर्जीव बोलते हैं, और सजीव का मतलब होता है जिसमें जीव यानी जान होती है उसे सजीव कहते हैं, तो निर्जीव का विलोम हो गया सजीव। श्रव्य का मतलब होता है जिसे हम सुन सकते हैं, सुनने योग्य, और दृश्य का मतलब होता है देखने योग्य जो होता है उसे हम कहते हैं दृश्य। पुरुष का हो गया कोमल, पुरुष का हो गया कोमल, या हम इसे अपुरुष भी बोल सकते हैं, जो एसएससी जीडी के ऑप्शन में आया था कोमल आया था, ठीक, अपुरुष नहीं आया था, तो अपुरुष भी इसका हो सकता है, ठीक, तो पुरुष का हो गया कोमल या अपुरुष। कर्कश, कर्कश जो बहुत तीक्ष्ण होता है उसे हम बोलते हैं कर्कश,
तो कर्कश का तिक्ष का विलोम क्या हो गया, जो मीठा लगे तो उसको हम बोलते हैं मधुर, तो कर्कश का हो गया मधुर, इसका विलोम हो गया। कल्पित का हो गया अयथार्थ, कल्पित या यथार्थ, हम यथार्थ भी कह सकते हैं, यथार्थ जो कल्पना योग्य हो उसे हम बोलते हैं कल्पित। तो कल्पित का विलोम क्या हो गया अयथार्थ, यानी जो यथार्थ कल्पित, अयथार्थ सॉरी यहाँ पे कल्पित, यथार्थ नहीं कल्पित का हो गया यहाँ पे यथार्थ होगा। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक क्या होता है वास्तविक होता है। कल्पित का क्या होता है यथार्थ या वास्तविक होता है, या कल्पना, या इसको हम कल्पना भी कर सकते हैं, कल्पना जो कल्पना की योग्य हो वह यथार्थ होता है, या कल्पित का हो गया यथार्थ या वास्तविक इसका विलोम होता है। ठीक इसी प्रकार से जो अधिकांश होता है, अधिक मतलब होता है अधिक प्लस अंश, अधिक जो अंश होता है उसे हम अधिकांश बोलते हैं, और यहाँ पे हो गया अल्प धन अंश अल्पांश हो गया, तो अधिकांश का विलोम हो गया अल्पांश। करुण का क्या हो गया ऐसे ही निष्ठुर हो गया, करुण का विलोम क्या हो गया निष्ठुर हो गया। परकीय जो दूसरे के द्वारा किया जाए ठीक स्व, उसका विलोम होता है स्वकीय, स्व का मतलब होता है स्वयं के द्वारा किया करने योग्य या किया जाए उसे हम स्वकीय बोलते हैं। पूर्व आप जानते ही होंगे जिसमें कुछ ना हो उसका विलोम होता है उसका, जिसमें सब कुछ हो सकता है। निरर्थक ठीक, तो निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो और इसका विलोम होता है सार्थक, जिसका अर्थ होता है या स्व प्लस अर्थ, अर्थ सहित हो जो उसे हम बोलते हैं सार्थक। ऊपरी लिखित, यहाँ ऊपरी लिखित भी हम उसको लिख सकते हैं, ऊपर लिखित या ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित कर लीजिए आप ऊपरी लिखित। तो जो ऊपरी लिखित का मतलब है लिखित, और कहाँ लिखित ऊपर लिखित, ऊपर लिखित भी करिए ऊपर लिखित, जो ऊपर लिखा हुआ हो ठीक। तो ऊपर लिखा हुआ तो हम उसको नीचे कर लेंगे निम्न, और लिखित जो नीचे लिखा हुआ हो उसे हम बोलते हैं निम्न लिखित। तो ऊपर लिखित का विलोम क्या हो गया निम्न लिखित हो गया ठीक। फल विफल, तो इसमें बी उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे फल, और यहाँ पे स्व उपसर्ग लगा हुआ है, तो फल ऐसा जो हमारे इच्छा के विपरीत हो, और यहाँ पे फल ऐसा जो हमारे इच्छा के से युक्त हो उसे हम बोलते हैं सफल, और ये हो गया विफल का विलोम क्या हो गया सफल हो गया। ऐसे ही जय, जय का हो गया क्या हो गया पराजय, यहाँ पे परा जोड़कर क्या बनाया गया पराजय बनाया गया है। ऐसे ही अनुराग का हो जाता है विलोम, विराग हो जाता है। शुभ में और उपसर्ग जोड़कर इसका विलोम अशुभ बनाया गया है, और भूगोल, भूगोल का हो गया क्या होता है खगोल होता है। ठीक है आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।